शब्द पुत्र, खुश रहना, अपना ख्याल रखना पुत्र। चलिए जी। जीवती रह पुत्र, रब तेरी सारी मुरादें पूरी करे। मेरी माँ ही पुत्र वापस आ गई, वापस आ गई। उसने हमारी सुन ली, वरना पता नहीं इस घर का क्या हाल होगा। मेरी माई वापस आ गई। आप लोग मुझे यहां देखकर बहुत हैरान होंगे ना, कि मैं तो ये घर छोड़कर चले गई थी, फिर वापस कैसे आ गई? दरअसल यहां से जाकर मैंने सोचा कि ये तो मेरा अपना घर है, कानूनी तौर से भी और धर्म से भी, क्योंकि मैं शब की ब्याहता पत्नी। और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। क्यों ताई जी? हाँ माही पुत्र, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। किसी भी घर में सबसे ज्यादा अधिकार और अहमियत एक ब्याहता पत्नी की ही होती है। वही तो ताई जी, तभी मैंने सोचा कि ये मेरा घर और मैं यहां वापस चली। कितनी बेवकूफ हूं ताई जी, अपने ही घर में आने जाने की सफाई मैं भला किसे दे रही हूं? मेरे अपने घर लौट आने पर किसे एतराज हो सकता है? क्यों ताई जी? वही तो पुत्र, तेरे घर लौटने पर किसी को क्यों एतराज होगा? मैंने यहाँ लौटते वक्त तुम्हारे बारे में बहुत सोचा। तुम इस घर की मेहमान हो, मेरे पति की और इस घर के मालिक की मेहमान। तब तक रह सकती हो जब तक तुम चाहो। ताई जी, हम सबको मिलकर इसकी देखभाल करनी होगी, क्योंकि ये इस घर को खानदान का वारिस देने वाले। क्यों सुहानी? क्या कह रही है माई पुत्र? मैं ठीक कह रही हूं ताई जी, मैं जानती हूं मैं क्या करी। और सुहानी, तुम
तुम ये बात कभी मत भूलना कि ये मेरा घर है। मैं यहाँ रहूँ तब भी मत भूलना और ना रहूँ तब भी। फिलहाल तो मैं अपने घर लौट आई। माही तुम घर से क्या गई? घर बिल्कुल बेजान हो गया था। मेरा यकीन करो, जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहता था कि। जानती हो शब्द, आज मुझसे ज्यादा अच्छी तरह इस बात को कोई नहीं जानता, तुम भी नहीं। मैं इस घर में दोबारा लौट आई हूँ, तुम्हारी जिंदगी में नहीं। मुझे माफ कर दो शिव, मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ ये इस वक्त नहीं बता सकती। थोड़ा सा वक्त दे दो और अपनी माही को, वादा करती हूँ मैं सब ठीक कर दूँगी, सब कुछ। दादी, घर छोड़कर क्या चले गए? आप तो अपनी सारी जिम्मेदारियां ही भूल गए। जिम्मेदारियां? दासपुत्र कौन सी जिम्मेदारियां? ताजी, इस बेचारी की हालत देखी आपने? देखिए कितनी कमजोर हो गई है, और पहली बार माँ भी तो बनने वाली है, और आप लोग इसे इस हाल में छोड़कर जा रहे? और आप तो सब कुछ जानती है ना, बेचारी पहली बार माँ बनने जा रही है, इस वक्त तो उसे बड़े बुजुर्गों के नसीहत की कितनी जरूरत है। हाल में आप इसे छोड़कर जा रही है? ना पुत्र, तू गलत समझ रही है। हमने ये जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम सब मिलकर इसका बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। इंसानियत के नाते हमें यही करना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि शब भी यही चाहते। इस वक्त हम सब, खासकर आप लोग, इसका ख्याल रखें। अरे अरे सुहानी, कितनी देर से यहाँ खड़ी हो? अरे इस हाल में तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, कमजोरी आ जाएगी। तुम माँ जो बनने वाली हो, तुम्हें तो आराम की बहुत जरूरत है। क्यों? जाओ जाओ, जाकर गेस्ट रूम में आराम कर, जा। माही, ताई जी, आप मुझ पे भरोसा कीजिए, हम सब साथ मिलकर रहेंगे। हाँ? अरे वाह चेरी पुत्र, ये कलर तो तेरे पे बहुत खिल रहा है, ये भी रख ले तू पुत्र। थैंक यू मम्मी जी, लेकिन इसके बाद बस, आप ऑलरेडी मुझे इतनी सारी साड़ियां दिला चुकी हैं, अब आप एक आध सूट सोनी को भी खरीद दो, ताकि आपके ऊपर बेइंसाफी का इल्जाम ना लगे। सूट तो मैं नौकरानियों को भी दिला देती हूँ पुत्र, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भैया वो जरा दूसरा दिखाना मुझे। रहने दीजिए भैया जी, कुछ मटेरियल भी दिखाइए ना, इस घर के लड़कों के कुर्ते भी तो लेने हैं हमने। हाँ जी हाँ जी, हेलो जी, हेलो हेलो जी। चेरी पुत्र, ये कैसा रहेगा जीत के कुर्ते के वास्ते? बहुत ही अच्छा है मामी जी, और वैसे भी आपकी चॉइस में कभी भी कमी हो सकती है, दिस इज परफेक्ट।
क्यों ज्योति? कलर और टेक्सचर दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा है ना? चलिए भैया जी, इसमें से ना एक कुर्ते का कपड़ा काट दीजिए। ठीक है जी, कितने मीटर फाड़ दूं जी? ये तो मुझे नहीं पता कि कुर्ते को कितना कपड़ा लगेगा। चेरी पुत्र, तुझे पता जीत के कुर्ते को कितना कपड़ा लगेगा? नहीं मम्मी जी, अब 3.75 मीटर लगेगा। ठीक है जी। तो तुम्हें जीत के बारे में ये बात भी मालूम है? अच्छा है, वो क्या है ना ज्योति, मैंने सिलाई सीखी हुई है तो कदकाठ ही देखकर मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि कुर्ते के लिए कितना कपड़ा लगेगा। कदकाठी क्यों नहीं, तो और कितने आदमियों की कदकाठी पे गौर किया है आपने, जिनके कपड़ों के नाप आपको मुंह जुबानी आते हैं? सोनी भाभी, चेरी ये कैसी बातें कर रही हो तुम? चलिए चलिए, जल्दी से काटिए भैया जी। उसने आप ऐसे हाथ बांध के क्या सोच रहे हो? तू की सोच रही है बिल्लू, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा मैं कुछ सोच भी रही हूँ कि नहीं सोच रही हूँ। मुझे लगता है हम सेम चीज सोच रहे हैं। अच्छा, माही से पूछ लो, उसने सुहानी को घर में क्यों रख लिया? माही, माही पुत्र जल्दी बताइए, सब माजरा क्या है? देख पुत्र, मैं ये देख रहा हूं कि जो माही इस घर से रोते हुए गई थी ना, वो कोई और थी, और जो माही वापस लौट के आई है वो कोई और है। तेरे जाने और वापस आने के बीच में कोई बड़ी बात जरूर हुई है, हुई है ना पुत्र? हाँ दाजी, वरना मैं इस घर में लौट कर क्यों आती? और जो कुछ भी मुझसे छिन गया था वो मुझे वापस कैसे मिलता? अब पहले ना बुझा पुत्र, सीधा सीधा बोल, गाल की है? हाँ पुत्र। तो सुनिए, सुहानी प्रेग्नेंट है ही नहीं है? हाँ ताईजी, सुहानी प्रेग्नेंट नहीं है, उसने उसने हम सबसे झूठ कहा था। आप और एक सच्चाई सुनना चाहते? बोलते पुत्र। सुहानी और शब्द के बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। ये तू क्या कह रही पुत्र? हाँ दाई जी, उसने क्या क्या नहीं किया, मैंने उसे दोस्तों के साथ वहां बिना कारण खुद को गलत समझ रहा अभी तक। पर आपका लाख लाख शुक्र है कि हमारे शब्द का चरित्र बेदाग निकला, उसने कोई गलत काम नहीं किया है जी। माही पुत्र, अब मुझे पक्का विश्वास है तेरे और शब्द के बीच कोई नहीं आ सकता पुत्र, कोई नहीं आ सकता। जानती हूँ ताई जी, अब मेरे और शब्द के बीच कोई नहीं आ सकता। ताई जी, हम जैसे लोगों का विश्वास कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन ये सुहानी जैसी औरतें हमारा विश्वास तोड़ ही देती। और पुत्र आप चिंता ना कर, हम सारा सच जाके शब्द को बता देंगे। चल मिलो। अरे ताई जी, ये क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, इस तरह जाकर शब्द को बताने का कोई फायदा नहीं होगा।
क्योंकि सुहानी ने पहले से ही कोई प्लान बना दिया होगा। हम चाहे शब्द को कुछ भी बोले लेकिन वो अपनी बात साबित कर कर रहेगी। वैसे ये सुहानी है तो बड़ी चलाको। अगर हम ये साबित कर भी देना कि वो पेड़ से नहीं है तब भी उसने किसी ना किसी तरह से ये जरूर साबित कर देना है कि शब्द और उसका रिश्ता बड़ा नजदीक का है ना जी। हाँ बिल्लू, प्रॉब्लम ये है कि शब्द ये विश्वास किए बैठा है कि सुहानी पेट से है और ये वाली चीज उसको अंदर से कोसती भी है। हाँ। लेकिन एक बात है, अगर वो माही से वाकई में प्यार करता है तो इस गुनाह के एहसास को उसके दिल से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है ताजी। किसी तरह सुहानी खुद कबूल कर ले कि उसके और शब्द के बीच कभी कोई नजदीकियां थी ही नहीं। की गल कर रहे पुत्र, वो चलाकू मौसी इस बात को कभी कबूल नहीं करेगी। वैसे बिल्लू, अगर हम किसी भी तरीके से ना सुहानी के मुंह से अगर ये कहलवा पाते हैं तो मुझे लगता है उसके लिए अपने आप में ये बहुत बड़ी सजा होगी। पर कैसे ताजी? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मुझे पता नहीं ये आइडिया कारगर साबित होगा कि नहीं, पर तुम लोगों को बताने में क्या हर्ज है? क्या पता ये आइडिया क्लिक हो जाए। हैं? दस, दस। देखो, आप लोग क्या कहते हो? ओए आइडिया टॉप टॉप है।